मतलब वो कहां 4,000-5,000 के आते हैं, कहां ये 2,000 के अंदर मेरे को मिल गया इस सेल में। आज की वीडियो में गिव अवे है, मैं 2 दिन इसको पहनकर गया भी हूं एंड कॉम्प्लीमेंट भी बहुत मिले हैं। बूट्स इसके साथ डाल दोगे तो वो थोड़ा बैड बॉय वाली फीलिंग दे देगा। मैं क्या हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है ज़ाहिद अख्तर। आज की धमाकेदार वीडियो में हम करने वाले हैं जैकेट्स का हॉल। ये सारी जैकेट्स मैंने अभी वाले मिंत्रा सेल से मंगाई एंड यू वोंट बिलीव कितना ऑफ मिला है मेरे को। बाइकर्स के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है यार। कुछ वो कोजी कोजी और वो पूकी वाले जैकेट्स होते हैं ना, वो भी आज वीडियो में दिखा रहा हूं। मतलब कपल अगर आप लोग हो तो एक दूसरे का एक्सचेंज करके पहन सकते हो। समझ नहीं आ रहा कि गिफ्ट क्या देना है भाई, वो भी आज कवर कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करें, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस मोड़े पर देख रहे हैं, तो चार बार वीडियो देखिएगा। जब आपको लगता है कि इस लड़के के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब साथ साथ वो बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। बाहर भी कह रहे हैं दबा दो, क्यों नहीं दबाते। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली जैकेट से जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। मैं 2 दिन इसको पहनकर गया भी हूं एंड कॉम्प्लीमेंट भी बहुत मिले हैं। चॉकलेट ब्राउन कलर की पीयू लेदर मटेरियल वाली है, लेदर नहीं है। मतलब 2,000 रुपए के आसपास में लेदर लोगे क्या, बट है अच्छी, 2 साल आराम से निकल जाएगी। हाँ मुझे पता, अभी आप कहोगे कि जायद हमेशा बोलते हो कि प्योर लेदर वाली लिया करो। देखो जिसका बजट नहीं है वो गलत पीयू मटेरियल वाले के चक्कर में ना फंस जाए, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ढंग का एक पीस दिखा दूं। कुछ कुछ जैकेट जो फॉल लेदर वाले होते हैं आप देखोगे कि वो बहुत ही चमकीले चमकीले ग्लॉसी से होते हैं, दूर से देख के समझ आ जाता है कि भाई इसने डुप्लीकेट पहना है, वो रैक्सीन वाला पहना है। है वैसे ये भी वही, बर्थडे ऐसा दूर से चमकता नहीं है एंड लेजिट लगता है कि भाई आपने प्योर पहना है। मतलब बजट अगर आपका नहीं है 8,000-10,000-12,000-15,000 रुपए वाला, बट आपको लेदर लुक चाहिए यार, इसको ले सकते हो। कॉलर में फर दिया है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। पैच वर्क भी अच्छा किया गया है, राइट चेस्ट पे ये एक बैजिंग है, लेफ्ट चेस्ट पे एक बैजिंग है, लेफ्ट स्लीव्स पर एक बैजिंग है। आज साइजिंग का थोड़ा ध्यान रखना आप मेरे साथ साथ, बिकॉज सबके अलग अलग मैंने साइजेस मंगवाए हुए हैं। बिकॉज मैं स्केप्टिकल था, क्योंकि जब मैं इनके साइज चार्ट्स पढ़ता हूं ना तो बहुत ही मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता हूं कि भाई ऐसा कैसे। तो ये मीडियम मैंने पहना हुआ है जो थोड़ा सा मेरे ऊपर ढीला ढीला लग रहा है, ढीला बस लग रहा है नहीं, मतलब अंदर अगर मैं 1-2 लेयर कर दूंगा ना सर्दी में तो फिर ये मेरे को टाइट होने लगेगा। ऊपर से भले ही लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मैंने ओवरसाइज है, बल्कि पहना है। तो भाई अपने हिसाब से आप देख लेना। अभी मैं आपको अपना करंट स्टैट्स बता देता हूं। 40 मेरा चेस्ट है, बाइसेप्स मेरी 14.5-14.6 है, पंप पे 15 हो जाती है, आज पंप थी तो अभी जो पहना हुआ है तो आप सकते उसको। जितने भी बाइकर्स हैं, राइडर्स हैं, 100 cc वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये थोड़ा आपका यू नो सुपीरियर साइड पर चला जाएगा। मतलब सामने वाला कहेगा कि भाई बाइक और बंदे की मैचिंग नहीं हो रही है। मैं बात कर रहा हूं जैसे अगर आपके पास बुलेट है, इलेक्ट्रा है, 350 है या कोई स्पोर्ट्स बाइक है और आप जैकेट की तलाश में हो, ये आपकी पर्सनालिटी को सूट ज्यादा करेगा। बूट्स इसके साथ डाल दोगे तो वो थोड़ा बैड बॉय वाली फीलिंग दे देगा। जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं आप इसको अपने ऑफिस में भी वेयर कर सकते हो, पार्टी वार्टी का सीन है तब भी इस जैकेट को आप डाल सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पीस जो कि मुझे बहुत पसंद आया यार, इसके 3-4 कलर वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, बट मेरे को सबसे ज्यादा ये क्रीम और ये क्या इसको बोलते हैं यार, मैं बहुत गंदा हूं यार व्हेन इट कम्स टू कलर्स, आप बता देना कौन सा कलर है। ये तो ऑफ व्हाइट क्रीम है बट इसको क्या कहते हैं, बट ये वाला जो है ना ये मेरे को पसंद बहुत आया। एंड साइज मैं बता दूं इसका, मैंने लार्ज वेयर किया हुआ है, स्केप्टिकल था मैं साइज को लेकर। इसका मैंने मीडियम भी मंगवाया, वो थोड़ा सा मेरे को ना ऐसा टाइट फील हो रहा था, मतलब मैं उसको अभी जैसे टी शर्ट के ऊपर पहनूंगा तो सही लगेगा, बट मैं एक लेयर भी अगर डाल दूं अंदर, चाहे थर्मल हो या फिर एक स्वेटशर्ट हो, तो वो जाएगा नहीं। तो मेरे को उस केस में चाहिए कि भाई मेरी एक लेयरिंग तो हो ना, उस केस में लार्ज मेरे लिए मेरे को एकदम बढ़िया लगा है। मैंने आपसे कहा था ना पूकी ऑप्शंस दिखाने वाला हूं, कपल लोगों के लिए दिखाने वाला हूं, उसमें से पहला ऑप्शन ये है भाई, आंख बंद करके ले लो अगर कपल वपल हो तो, या पार्टनर को गिफ्ट करना है। वैसे तो इन्होंने लिखा है कि ये मेन जैकेट है, बट भाई यूनिसेक्स जैकेट है, कोई भी पहन लेना, कोई उम्र का, कोई जेंडर, कुछ भी, मतलब पहन लो यार, मुझे नहीं पता यार, मतलब मेरे को बहुत पसंद है। जब मेरे को कोई चीज पसंद आती है ना मैं उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो फरमाता हूँ। जितने लोगों को फ्लीस फर पसंद है ना भाई, आपको बहुत पसंद आएगा। यूजुअली आप बिग बॉस में देखते होंगे इस टाइप का पहनकर सेलिब्रिटी लोग घूम रहे होते हैं और आप लोग कहते हो मिलता क्या है, सो अच्छा यार ये, और मेरे को लगता है मेरे को काफी अच्छी डील में मिला था ये, अभी शायद चल रही होगी डील, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक डाल दूंगा, जाकर आप इसको देख सकते हो। अच्छा यार अभी जरा बात करते हैं नेक्स्ट जैकेट के बारे में जो कि अगेन बाइकर्स लवर्स के लिए है। बॉम्बर जैकेट है, साइज इसका मीडियम ही मैंने वियर किया हुआ है, बट थोड़ा सा बैगी फिट पर है।
इसके भी तीन कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट मेरे को सबसे ज्यादा जो अपील किया वो यही वाला किया। स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो ना, ये आपके वार्डरोब में होना चाहिए। कॉलेज वाले पहन सकते हो, ऑफिस वालों इसको अवॉइड करना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा झटैक साइड पर चला जाता है तो ऑफिस में शायद आपका बॉस या फिर जो आपसे जलता है वो शायद आपको ऐसा बोल दे कुछ कि भाई ज्यादा स्टाइलिश हो रहे आके। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हो ज्यादा स्टाइलिश दिखना यू गाइस कैन वेयर दिस, बट है बहुत अच्छा। नेक्स्ट के बारे में बात करूं, उससे पहले एक बात बता देता हूं, आज की वीडियो में गिव अवे है। वीडियो के रूल्स समझ लो, सब्सक्राइबर होना आपका बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक ही बहुत बड़ा गेम चेंजर है। कमेंट करके बताना कि आपको लेदर जैकेट ज्यादा पसंद है या फिर आपको डेनिम जैकेट ज्यादा पसंद है। कमेंट कर दिया, ये वीडियो को उठा के जब इंस्टा पे शेयर करते हो तो वहां लिंक लगाया करो जो खुलती हो, बस मेरे को टैग कर देना एंड यू आर गुड टू गो। जैसे ही इस वीडियो पर 5000 लाइक पूरे होंगे मैं किन्हीं दो लकी विनर्स को दूंगा 2000 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर्स। क्लियरली बता दे रहा हूं, मेरे को कुछ लोग बोलते हैं कि कंपनी स्पॉन्सर्ड है, कुछ नहीं, अपनी जेब से खरीद कर मैं आप लोग को गिव अवे देता हूं। तो मैं भी चाहता हूं ना कि आप भी थोड़ी मेहनत करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए जी, पास्ट में काफी सारे गिव अवे पूरे हुए हैं, लोगों को मिले हैं, जिनको मिले हैं वो नीचे कमेंट कर दें। अब आप लोग बोलोगे कि हमें गिव अवे नहीं मिलता, भाई लक का गेम है, 200 लोग में दो लोग अगर किस्मत होगी तो मिल जाएगा। चलिए जरा बात करते हैं जैकेट के बारे में। पफर जैकेट है, इस बार मैंने सोचा थोड़ा अलग कलर लेकर आया जाए, ब्लू टोन का ये जैकेट है। लास्ट टाइम मैंने आपको लेवेंडर दिखाया था, मीडियम मैंने वियर किया हुआ है, बट मैं रिकमेंड करूंगा मीडियम वाले लार्ज के लिए जाना, बिकॉज ऑब्वियसली ये पफर जैकेट है, थोड़ी ज्यादा जब ठंडी आएगी तभी पहनोगे। मैंने लास्ट अपने जैकेट हॉल में भी यही कहा था कि H&M का एक सस्ता अल्टरनेट ढूंढ रहे हो, जारा का एक सस्ता अल्टरनेट ढूंढ रहे हो, ये वाला जैकेट ले सकते हो। मतलब वो कहां 4000-5000 के आते हैं, कहां ये 2000 के अंदर मेरे को मिल गया इस सेल में। एक छोटी सी फैशन टिप देना चाहता हूं, वियर आप इसको किसी भी आउटफिट के साथ कर सकते हो, बट अवॉइड करना फॉर्मल ओल्ड मनी के साथ, छपरी लगोगे, बहुत अजीब सा वो प्रोपोर्शन आएगा, चा ऊ की मात्रा तो ई की मात्रा या आ की मात्रा, वैसा कुछ लोग कहने लगेंगे। प्रोपोर्शन होना और यू नो कॉम्प्लीमेंट आप जो पहन रहे हो नीचे ऊपर वो एक दूसरे को दे तो ज्यादा अच्छा लगता है। कैजुअल के साथ, स्ट्रीट स्टाइल के साथ पहनना बहुत ज्यादा पसंद आएगा लोगों को। जरा आखिरी जैकेट के बारे में बात करते हैं, एंड मैं इसके बारे में जब बोलने लगूंगा आप कहोगे भाई ये बेच रहा है, ये मतलब स्पॉन्सरशिप मिली है, बट मैं क्या बोलूं यार, लार्ज साइज मैंने मंगाया है, मुझे मोहब्बत हो गई है इससे। बहुत हल्का सा है, बहुत कोजी सा है और बहुत ही पूकी जैकेट है, मतलब लड़के के साथ साथ लड़की पहन सकती है। भाई टीनेजर्स हो, मिड 20s के हो, लेट 30s के हो, अर्ली 30s वाले हो, 40 साल वाले, 50, नो मैटर व्हाट योर एज इज, नो मैटर व्हाट योर जेंडर इज, आई थिंक यू शुड बी गोइंग विद दिस फर वाला जैकेट। हाँ, यहाँ एक बात आती है कि भाई ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ठंडी के लिए नहीं है, ऐसा बर्फ बर्फ वाली जगह पे जाओगे तो नहीं है, बट है, अच्छी चीज है अगर आपको कुछ अलग ट्राई करना होता है। देखो क्या होता है ना, यूजुअली इस टाइप का लोग जैकेट नहीं लेते बिकॉज अभी मेरी मम्मी पता है क्या कहेंगी कि ऐसा निकलने लगता है इससे, तो यार ऑब्वियसली फर है, निकलेगा। मैं आपको अपने पास एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो भी फर वाले क्लोथ्स होते हैं ना वो बहुत लंबे नहीं चलते हैं, बट भाई शौक भी तो बड़ी चीज है ना, फैशन इज ऑल अबाउट कंफर्ट, शौक। तो भाई शौक है, जिसको लेना है ले सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा झटैक फैशन में इसको वियर करिएगा, वो नॉर्मल फैशन नहीं होता है। यूजुअली लोग बोल देते हैं कि ये छपरी लग रहा है, बट मैं सच बता रहा हूँ वो छपरी वाला ही फैशन एक्चुअल फैशन होता है। वैसे कितने सिंगल से वीडियो देख रहे जरा नीचे हाई हो जाए, और कितने कपल ये वीडियो देख रहे जरा नीचे हाई कर दीजिएगा। तो भाई ये एक बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन हो सकता है भाई। आई डोंट थिंक कि किसी कन्या को आप ये भेजोगे गिफ्ट में, और वो भी आई थिंक 1500 से भी कम का ही, मेरे को लगता है 1200-1300 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट पर्सन इज गोना फॉल इन लव विद यू। अगर वो आपके साथ मोहब्बत में था तो वो और ज्यादा मोहब्बत में हो जाएगा। एंड विद दिस आई रेस्ट माय केस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा अलग से थोड़ा हटके मैंने जैकेट दिखाने की कोशिश करी है। ये वीडियो बनाने का मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट सेल में खरीद डाली सब भाई, मैंने ये सब खरीद डाली। इसमें से किसी का गेट रेडी विद मी चाहिए नीचे तुरंत कमेंट कर देना, आई विल मेक द गेट रेडी विद मी वीडियो। किसी का भी बेस्ट वेलिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बस भाई देखो क्या होता है ना, कमीशन मिल जाती है। ये वीडियो की जो एडिटिंग कॉस्ट है, ये जो स्टूडियो का रेंटल कॉस्ट है, ये जो 75 लाइट लगी है, ये जो दाढ़ी कटी है, बाल कटे हैं, इसकी कॉस्टिंग निकल जाती है, तो जाके हमारे उससे खरीद लिया करो। चलते चलते दो बातें, हम अपने इंस्टाग्राम और अपने टेलीग्राम पर अपना कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। इफ यू गाइस वांट टू बी द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक हमारा टेलीग्राम पे और पेज है जहां पर मैं बेस्ट शॉपिंग डील्स डालता हूं डेली बेसिस पर, उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।